हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग को दोस्तों। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आइए एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे सीटेट 2019 के मैथ्स के पूछे गए प्रॉब्लम को। जो भी मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। रिपीट कर दूं कि सीटेट पेपर 1 2019 के ये क्वेश्चन पेपर है। 31 से आपका मैथ शुरू होता है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन की तरफ से। 31, तीन ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को समझते हैं। तीन हमारे पास ब्रांड के पेन हैं, ए बी और सी, ठीक है। ए के जो पैकेट हैं उसमें 10 पेन हैं, बी के पैकेट में 12 पेन हैं और सी के पैकेट में 24 पेन हैं। अब दुकानदार को पैकेट खरीदना है, लेकिन इन सारे पेनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब आइए, या तो हम प्रॉब्लम से जा सकते हैं या फिर ये तो हम आंसर चेक कर लें। जैसे कि अगर आप ए आंसर को चेक करेंगे तो अगर ए का 10 पैकेट खरीदता है, यानी कि ए का 100 पेन उसने खरीद दिया। अगर बी के 12 पैकेट खरीदता है तो एक पैकेट में 12, यानी कि उसने 144 पेन खरीदा और ये संख्याएं समान नहीं है, तो अर्थात ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए समान संख्या के पेन चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो अगर ए के 5 पेन खरीदता है, यानी कि 5 पैकेट खरीदता है, यानी कि 50 पेन खरीद दिया। अगर 12 पैकेट ब्रांड बी के खरीदता है, यानी कि कितना हो गया, 144। यहाँ भी क्या हो गए, पेनों की संख्याएं समान नहीं है, गलत हो गए। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ए के 10 पैकेट खरीदता है, यानी कि ए के 100 पेन हो गए और बी के 5, यानी कि 12×5=60। यहाँ भी पेनों की संख्या क्या हो गई, असमान हो गई। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही सही होगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन आइए एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ए के 12 पेन खरीदे जाए तो कितने हो गए, 120 हो गए, सॉरी 12 पैकेट, ओके। बी के अगर 10 पैकेट खरीदे जाएँ तो कितने हो गए बच्चों, ये भी 120 पेन हो गए। और सी के अगर 5 पैकेट खरीदे जाए तो 24×5=120। ये भी देखें, पेनों की संख्याएं समान है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा क्या होगा, विकल्प नंबर 4 सही होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा गया था कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज हाउ मच, 4 सेंटीमीटर। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा। मान लीजिए हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर की खासियत यह है कि इसकी साइड कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमने इसको क्या करना है, हमने इसको काट के 4 छोटे छोटे स्क्वायर में विभाजित कर देना है। तो जब हम 4 बराबर करेंगे तो हमारा ये वाला साइड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब हमारा जो छोटा वाला जो स्क्वायर होगा वो कितने का हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2 और 2 का, राइट। तो 2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। द पॉइंट शुड बी नोटेड हियर कि कौन सा कथन सही नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, व्हिच वन, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। तो 2 क्या है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 क्या है बच्चों, 2 ऑड नहीं, एक इवन नंबर है। यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। 2 क्या है बच्चों, 2 प्राइम नंबर है जो अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं डिविजिबल है, किसी से कटता नहीं, लेकिन 2 एक इवन नंबर भी है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आगे आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, वैसे हमारा यहाँ पे पहला ही आंसर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा होगा इस प्रश्न के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वह संख्या जो 1 और 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाजित होंगी, ओके, निम्न है। मतलब एक ऐसी संख्या आपको इसमें बताना है जो 1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से सबसे डिविजिबल हो, सबसे कट जाए, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, 10 की बात करें तो 3 से नहीं कटेगा, अगर 100 की बात करें तो ये भी 3 से नहीं करेगा, और 604 की बात करें तो 6+4 अगर 10 होता है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो मतलब 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से कटनी चाहिए, तो वहीं अगर हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि 25 20। एक मैथ के स्टूडेंट को ये हमेशा याद होना चाहिए कि सीरियसली ये बहुत अच्छा पॉइंट्स है कि 25 और 20 एकमात्र ऐसी संख्या है जो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी डिविजिबल है। यह एक ऐसी संख्या है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, इसको आप करके चेक कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, 35 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि आयशा के पास 5 और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है
और 160 रुपए का धन है तो उसके पास 5 के कितने सिक्के हैं और 10 के कितने संख्या है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है। टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन कितने हैं? 25 हैं। टोटल रुपए कितने हैं? 160 रुपए हैं। ठीक है, अब आइए तो उसके पास कितने 5 के हैं और कितने 10 के हैं। तो अगर हम पहले विकल्प की बात करें तो अगर 18 5 की है तो 18 5 की है का मतलब कितना हुआ? उसके पास 5 रुपए के 5 के सिक्के मतलब 90 रुपए और 7 के 10 हैं तो 10 इंटू 7 इज इक्वल टू हाउ मच? 70। टोटल कितना हो जाएगा? 160। तो पहला ही विकल्प हमारा क्या लग रहा है? सही लग रहा है कि 18 5 के और 7 कितने 10 के, तो ये हो जाएंगे टोटल 160 रुपये हो जाएंगे। और सिक्कों की संख्या 18 और 7 कितना होता है? 25 होता है। तो पहला विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, दूसरी की बात करें तो अगर 5 हो गए 5 के तो यानी कि 50 रुपये ये हो गया और 10 के 15 तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलो तो पहला विकल्प हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका मान ज्ञात करना है। तो इसकी मान हम बडमास फॉर्मूला से याद करेंगे। तो हिंदी में कहते हैं काको पहले काटिए ता पीछे दो बार, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला है। तो हम पहले बडमास से पहले डिवाइड को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड हमने सॉल्व कर लिया तो 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बच्चों 52.5। तो ये हमारा हो गया 52.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 12.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 37.5। तो हमने यहाँ पे 37.5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्लस वाले को प्लस में लिख देते हैं 52.5, माइनस इन सब को माइनस वाले जोड़ लेते हैं। तो इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 14.5। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे बच्चों तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हमारा मिल के आ जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, 12 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। एक ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया। इस टाइप के प्रश्न मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। अभी कह रहा है कि एक बाग के वृक्ष में नीमों के वृक्षों की संख्या 1/6 है। अच्छा, मतलब टोटल गार्डन में जितने पेड़ हैं उसका 1/6 क्या है? नीम का पेड़ है। अच्छा चलिए चलिए ये बात सही है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, मतलब जितने भी अशोक के पेड़ हैं उसका 1/2 कितना है? अशोक है। अब यहाँ पे और शेष क्या है? यूकेलिप्टिस है। ठीक है, यदि नीमों के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में कितने यूकेलिप्टिस? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि नीमों की संख्या 5 है, यानी कि नीम के पेड़ कितने हैं बच्चों? 5 है। और कह रहा है कि बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या का 1/6, यानी कि बाग के जो टोटल नीम पेड़ होंगे ना वो नीम का 6 गुना, मतलब 6 टाइम्स है। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल हो जाएगा हमारे पास 30। नहीं समझ में आया मुझे, पता थोड़ा सा इसमें समझते हैं। कह रहा है कि एक बाग के वृक्षों में नीमों के वृक्षों की संख्या का 1/6 भाग है। चलिए, मतलब टोटल अगर हमारे पास 3 होंगे तो नीम का कितना हो जाएगा? 1/6, यानी कि कितने हो जाएंगे? 5 ही तो होंगे। और यही तो दिया है कि नीम के वृक्ष की संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 हमारे पास नीम के हो गए, टोटल हमारे पास 30 हो गए। अब कह रहा है कि वृक्ष के अशोक आधे अशोक के हैं, तो 30 का आधा कितना? 15 अशोक का हो जाएगा। और शेष हमारे पास यूकेलिप्टिस है, तो शेष हमारे पास कितना बच जाएगा बच्चों? शेष हमारे पास यहाँ पे 10 के क्यों होंगे? यूकेलिप्टिक के हो जाएंगे पेड़ यहाँ पे। इसको दूसरे तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल जो पेड़ होगा, टोटल पेड़ ठीक है, उसका 1/6 जो होगा, इसको दूसरे मेथड से ऐसे देखिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये होगा टोटल पेड़, ठीक है, ये हो गया हमारा नीम का पेड़, ये हो गया हमारे पास अशोक का पेड़, और ये हमारे पास हो गया यूकेलिप्टिक का पेड़। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या का 1/6 भाग, मतलब अगर टोटल हमारे पास 6 पेड़ हो तो नीम कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, आधे वृक्ष अशोक के, तो वृक्ष अशोक के आधे होंगे, और शेष कितना होगा? शेष होगा यूकेलिप्टिक, तो 3 × 1 = 4, यानी कि 2 हमारे पास यूकेलिप्टिक। ये हमने रेशियो बनाया, यही तो कह रहा है कि जितने भी टोटल होंगे ना उसका 1/6 नीम होगा और आधा हमारे पास अशोक होगा और शेष यूकेलिप्टिक होगा। चलिए, अब कह रहा है कि वृक्षों की संख्या, नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, तो अगर हमारे पास 5 नीम हो गए, यानी कि तो इस सब में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल 30 हो जाएगा, और ये क्या है, अशोक का 15 हो जाएगा और यूकेलिप्टिस का 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, टोटल आपका 10 आएगा। चलिए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछे गए। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को शाम को 4:30 बजे निकलती है और अपने लक्ष्य पे गंतव्य पे 31 अगस्त को 8:45 पे पहुंचती है। इस यात्रा में कुल कितना समय लगा? तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, देखिए मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ। एक गाड़ी कब निकली? हमारी गाड़ी निकली है कब? 29 अगस्त को, ठीक है, 29 तारीख को निकली।
पहुंची कब? पहुंची हमारी 31 अगस्त को, 31 अगस्त मतलब 29 को चली है, 30 को चली है और 31 को चली है। तो हम ये देखते हैं कि 29 को कितनी देर चली है, 4:30 बजे निकली है तो 29 तारीख को कितना देर चलेगी, शाम को 4:30, आधा घंटा जोड़ लेंगे 5 और 7, यानी कि 7 घंटे 30 मिनट हमारी 29 तारीख को चली है और पूरे 24 घंटे 24 को चली है। 31 तारीख को कितनी चली है बच्चों? 31 तारीख को चली है 8 घंटे 45 मिनट, 8 घंटे 45 मिनट चली। अब टोटल घंटे कितने हो गए? 24 + 8 + 7 हमारे पास टोटल घंटा हो गया, इतने घंटे चलिए, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास निकल के आया 39 घंटे, 39 घंटे। और अगर मिनट की बात करें तो 30 मिनट और 45 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट में 75 मिनट को आप 1 घंटे 15 मिनट भी कह सकते हैं, मतलब 40 घंटे 15 मिनट, ठीक है, यही तो सही जवाब होगा, इसका हो जाएगा 40 घंटे 15 मिनट। इस प्रकार से आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मतलब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए। चलिए तो पहला कह रहा है कि 8500 mm, ठीक है, mm में ये दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है 800 सेंटीमीटर और 800 mm, जब इन सबको mm में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 808, ठीक है, ये हमारे पास इतना हो जाएगा, 8008 mm हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो 80 decimeter + 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8800 बच्चों, ठीक है। 80 decimeter का मतलब हो जाता है कि 8000 और 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम कट कर देते हैं, नेक्स्ट वाला हो जाएगा हमारे पास ये वाला 880, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ पे गलत तरीके से दिया गया। अगर उसी तरह हम नेक्स्ट की बात करें तो 80 decimeter, तो सबसे पहले यही गलत हो जाएगा क्योंकि 80 decimeter और 8 सेंटीमीटर ये खुद में होता है बच्चों 8080 mm, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया 8500, तो ये इससे बड़ा हो गया, तो ये इसका अगर हम सबको सॉल्व करेंगे mm में करके तो इसका लास्ट वाला आंसर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका लास्ट वाला सही होगा, इसको घटते हुए क्रम में यहाँ पे लिखा गया। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि हाँ ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई, ओहो ये तो बड़ा आसान से सवाल हो गया, इसमें कह रहा है कि एक हमारे पास आयत है, मान लीजिए ये हमारे पास आयत, ठीक है, हाँ ये हमारे पास आयत, इसकी पूरी लंबाई 180 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों, 30 है, चौड़ाई हमारी कितनी है 30 है, तो ये हमारी कितनी हो गई चौड़ाई 30, तो ये भी कितनी हो जाएगी 30, और पूरी लंबाई कितनी है 180 है, तो 30 और 30 60 निकल गया, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 120 बचा, तो ये हमारा 60 हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 ही तो हो जाएगी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये विकल्प सही हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया था। चलिए अब यहाँ से कुछ पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो हम पैडागोजी नहीं करते, हम केवल न्यूमेरिकल देखेंगे, पैडागोजी को अगले सीरीज में हम देखेंगे, लेकिन एक देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको क्या करेंगे, मतलब आपने कहा बच्चों से आप 44 लिखो, तो बच्चों ने 404 लिख दिया, तो आप क्या कहेंगे, उनकी कापियों में अपने मन से उत्तर लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे ना, उन्हें मूर्त पदार्थ में से विनिमय नियम समझाएंगे, उसके उनको नियम समझाएंगे, या फिर उनके समूह उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, ये तो गलत हो गया, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, कैसे क्या आप उन्हें समझाएंगे, तो दूसरा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बस तो हम पैडागोजी नहीं, हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, पैडागोजी को हम अगले सीरीज में खत्म करेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि पहले न्यूमेरिकल क्या है उसको हम समझ जाएं, उसको हम हल कर लें, तो कुछ और न्यूमेरिकल बचे होंगे, 3 से 4 न्यूमेरिकल और बचे होंगे, उसको हम देख के इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, जैसे कि ये बड़ा अच्छा है। चलिए यहाँ पे क्या है कि एक सुपरमार्केट में सुपर बाजार में सब्जियों के मूल्य इस प्रकार से दिए गए हैं, टमाटर 40 रुपये किलो, आलू 25 रुपये के 2 किलो, इतना सस्ता, अच्छा, गाजर 250 ग्राम 20 रुपये की, लौकी 1 किलो का 10 रुपये, मिर्ची 100 ग्राम 10 रुपये का, नींबू 4 नग मतलब 4 पीसेस, यहाँ पे लिखा 4 पीस के 10 रुपये। चलिए नेक्स्ट हो गए, तो अब संजय जो है, संजय भैया गए थे मार्केट करने, तो उन्होंने कुछ सामान खरीदा, तो लास्ट में हमें क्या बताना है, उसने उन्होंने 200 रुपये दिए, तो उनको कितना रिटर्न मिलेगा, ये तो संजय जी ने क्या खरीदा, संजय जी ने आधा किलो टमाटर खरीद लिया, आधा किलो टमाटर मतलब 40 रुपये के हिसाब से 20 रुपये का उन्होंने टमाटर खरीद लिया, 1 किलो आलू खरीद लिया, 1 किलो आलू 2 किलो का 25 रुपये, यानी कि 12.5 रुपये की उन्होंने आलू खरीद ली, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, और आधा किलो गाजर ले लिया उन्होंने, तो 250 ग्राम का 20 रुपये, यानी कि 40 रुपये को उन्होंने गाजर ले लिया, और 250 ग्राम मिर्ची ले ली, मिर्ची लौकी, अच्छा लौकी उन्होंने नहीं खरीदा, मिर्ची उन्होंने 250 ग्राम ले लिया, तो उन्होंने 25 रुपये का, 100 ग्राम का तो 25 रुपये का उन्होंने मिर्ची ले लिया,
छह नींबू खरीद लिए, तो चार नींबू 10 रुपए का, तो छह नींबू कितने का, 15 रुपए का नींबू हो जाएगा। तो टोटल उन्होंने कितने खरीदे, जब आप हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा बच्चों 112 रुपए 5 पैसे की उन्होंने टोटल शॉपिंग करी। 200 रुपए का नोट दिया तो 200 में से एक इतना अगर माइनस करेंगे तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, रिटर्न मिलेगा 87 रुपए 5 पैसे 50 पैसे, 87 रुपए 50 पैसे आया है जी, 87 रुपए 50 पैसे आपको यहाँ से रिटर्न मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ। अच्छा, आप दो अंकों की संख्या है, दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर अंक्रमित अभाज्य, मतलब क्रमिक अभाज्य है। ठीक है, जैसे पहली जो अभाज्य संख्या होगी उसके तुरंत बाद की अभाज्य संख्या दूसरी वाले स्थान पर होगी। चलिए, और अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, मतलब दोनों संख्याओं को जो जोड़ के आएगा वो 4 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। चलिए, तो पहला है दोस्तों 3, दूसरा देखते, ये दो अंकों की संख्या है, दोनों क्रमिक अभाज्य भी हैं। ठीक है, और इनके अंकों का योग कितना होता है, 12 होता है, 12 जो कि 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो पहला ही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा सही हो गया। दूसरा अगर चेक करना चाहे तो 3 और 2 5 होगा, ना 3 का डिविजिबल ना 4 का डिविजिबल, 5 और 3 8, 4 का तो है, 3 का डिविजिबल नहीं है, 3 1 4, तो दोनों का डिविजिबल चाहिए, दोनों का मल्टीपल, सॉरी मल्टीपल चाहिए, दोनों का क्या चाहिए, गुणज चाहिए। चलिए हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक रेलवे स्टेशन पे पार्किंग की दर निम्न है, मतलब अगर आप 2 घंटे तक पार्किंग करेंगे तो 50 रुपये, 2 घंटे से 5 घंटे तक की पार्किंग के लिए 75 रुपये, 5 घंटे के बाद आपके 10 रुपये, 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटे का 10 रुपये, और 8 से 12 घंटे का 150 रुपये, और 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक 250 रुपये की पार्किंग चार्ज है। अब जो राजीव जी हैं, राजीव ने अपनी कार को कितने बजे पार्किंग करी, 7 बजे पार्किंग करी सुबह में, ओके, और उसे उसी दिन शाम को 4:30 बजे ले लिया, मतलब 4:30 बजे तक उन्होंने वापस ले लिया, तो टोटल कितने घंटे हो गए, टोटल यहाँ से हो गए 3 घंटे 12 और 4 3 7, मतलब टोटल उन्होंने कितने घंटे यहाँ पे पार्किंग करी, सॉरी 7 और +5 12 12+4, यानी कि 9.5 घंटे उन्होंने पार्किंग करी। ठीक है, 9.5 घंटे तक उन्होंने पार्किंग करी है, तो 9.5 घंटे अगर आप देखेंगे तो 9.5 घंटे क्या है, 8 से ज़्यादा है और 12 से कम है, यानी कि टोटल उनको कितने रुपये देना पड़ेगा, 150 रुपये का उनको पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों ये हो गया हमारा 58वां क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या थर्ड स्थान पे होगी, तृतीय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर अरेंज इन द असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ, यानी सबसे पहले छोटी संख्या, इसमें सबसे जो छोटी संख्या है बच्चों वो है ये वाला 0.77, ओके, इससे तुरंत छोटी संख्या कौन है, इससे तुरंत छोटी संख्या ये है 7.007, ठीक है, ये वाली संख्या, इससे तुरंत छोटी संख्या कौन है, इससे तुरंत छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 7.07, ये वाली, यही होगी ना, हाँ जी, तो इसकी तुरंत छोटी कौन होगी 7.07, और यही तो थर्ड स्थान पे है, तो यही हो जाएगी थर्ड स्थान पे 7.07, ये वाला सही। ठीक है, कोई समस्या नहीं, देखिए मैं लाइव इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो शायद यही होगा, चलिए यही होगा, मतलब मैंने कॉल। अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का वो ये है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, 1000 के स्थान का अंक 0 है, 100वें स्थान का अंक इकाई का स्थान, पता है आप जब ऐसे क्वेश्चन को मिले ना तो आप क्या करेगा, बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये पूरा पढ़ेंगे ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या, चलिए भैया 5 अंकों की संख्या लेते हैं, 1 2 3 4, 5 अंकों की हमने संख्या ले ली, ओके, अब चलिए कह रहा है दहाई के स्थान का अंक 8 है, तो दहाई के अंक का स्थान क्या है भैया, 8 हो गया, चलिए हमारे पास यहाँ पे 8 हो गया, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, तो 8 का 1/4 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 का 1/4, मतलब 8 का 1/4 कितना होगा, ऐसे कर दिया 8 × 1/4 कितना होगा, 2 हो जाएगा, इकाई के स्थान पे 2 है, ठीक है, चलिए कह रहा है कि अंक दहाई के स्थान का 1/4, 1000 के स्थान का 0 है, 1000 मतलब इकाई, दहाई सैकड़ा, 1000 का अंक कितना है, 0, चलिए 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है, मतलब यहाँ पे जो इसका 2 गुना होगा तो इसका 2 गुना 4 हो गया, ठीक है, ओके, और भाई यहीं से आपको 0 4 8 2 लास्ट में कहाँ है, ये रहा 0 4 8 2, बस यही हो जाएगा, लाइए इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं, 10000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है, लो भैया निकल गया आंसर हमारा, जाइए चलिए जाइए खुश रहिए, बस हो गया खत्म। तो ये हमारा दोस्तों मैथ्स के वो क्वेश्चन थे जो कि 2019 सीटेट पेपर 1 में पूछे गए थे, ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल पूछे गए थे और मैंने आपको लाइव यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया,
ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आसानी से आप सॉल्व करिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि जो भी प्रीवियस के मैथ्स के क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करूँ, इससे मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी समझ आ जाएगी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, जैसे इसी सब प्रश्न को अगर हम बात करें, जैसे ये वाला ये सब क्वेश्चन हो गए, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी ना उतना जल्दी हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो बच्चों इस चैनल पे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराता हूँ प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को। आप जहाँ कहीं भी सीटेट की तैयारी कर रही है, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सर या मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन हाँ मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल पे जुड़ेंगे और ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने गलत समझाया या फिर कहीं आंसर गया, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो मुझे सिखा सकते हैं, आप तो टीचर बनने जा रहे हैं तो आप मुझे भी सिखा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को ये खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, दोस्तों तक शेयर करिए, और चलिए एक साथ मिलकर थोड़ा अच्छी टीम बनाते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं सीटेट के, आने वाली सीटेट के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी आप किस टॉपिक पे मुझसे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा। तो हम अगले वीडियो में ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जय हिंद, जय भारत। खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।